दोस्तों, समय जीवन का वो पहलू है जो एक बार निकल गया कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए इस समय को अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचकर यूं ही गवाह मत दो, बल्कि अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की इस प्राचीन विधि को जान लो। वह विधि कौन सी है जिससे कोई भी इंसान बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर सकता है, वही हम आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव था जिसमें सबल नाम का एक पर्वतारोही रहता था। वह पर्वतारोही लोगों को राह दिखाने का काम करता था। वह लोगों को ऊंचे पर्वतों पर ले जाता, उनकी सैर कराता और उन्हें सही सलामत वापस ले आता। इसी प्रकार सबल एक दिन कुछ लोगों को लेकर पर्वत की चढ़ाई करने गया था, लेकिन अचानक उस दिन एक दुर्घटना हो गई। सबल के पैरों में गहरी चोट लगी और उनके एक साथी की जान भी चली गई, जिस कारण उसे बहुत तकलीफ हुई और सबल अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद से सबल कभी भी पहाड़ों पर नहीं गया। वह वहीं पास में रहकर एक छोटी सी दुकान चलाने लगा। देखते ही देखते समय बीता और अब सबल का लड़का भी जवान होने लगा था। वह भी अपने पिता के साथ उस दुकान पर पिता का हाथ बटाया करता था। अपने बचपन काल से ही लोगों को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते देखता रहता और उनके बारे में बातें करते सुनता कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए उस लड़के के मन में भी हमेशा उस पहाड़ को चढ़ने की लालसा रहती थी। लेकिन जब भी वह अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं भी जाकर वहां की दुनिया देखना चाहता हूँ, तब उसके पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, बेटा, ऊपर जाने में बहुत खतरा है, वहां बहुत जोखिम है, वहां तुम्हारी जान भी जा सकती है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, वहां बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन पहाड़ों पर तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम उन लोगों की बातों में मत आओ, तुम यहीं रहकर आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। जब वह लड़का अपने पिता से पहाड़ों पर चढ़ने की बात करता, तब उसके पिता वहां जाने से उसे रोक देते। एक दिन उस लड़के ने यह ठान लिया कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार उस पहाड़ पर चढ़कर देखना है, मुझे खुद महसूस करना है कि वहां की दुनिया कैसी है, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर केवल इस दुकान पर ही रह जाऊंगा। मैं केवल लोगों के मुंह से यही सुनता रह जाऊंगा कि पहाड़ की दुनिया ऐसी है, पहाड़ की दुनिया वैसी है, लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। अब जबकि सबल को लगा कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसने वहां पर जाने के लिए हामी भर दी और अपने बेटे से कहता है, बेटा ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो वापस उलटे पांव घर लौट आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वह लड़का अपना सारा सामान ले सबसे पहले उस पर्वत के नजदीकी शिविर तक जाता है। यह सभी का पहला पड़ाव होता है, जहां से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जहां पर लोग पहली और आखिरी बार रुकते हैं और जहां पर लोग पर्वत से नीचे उतरकर पहली बार विश्राम करते हैं। उस लड़के ने उसी शिविर में काम करना शुरू कर दिया। यहां पर रहकर उसे और भी लोगों से उस पर्वत के बारे में जानने को मिल रहा था। यहां पर रहकर उसके दो काम पूरे हो रहे थे। पहला तो वह अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जोड़ पा रहा था और दूसरा वह आते जाते लोगों से वहां की यात्रा और शिखर के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्तों के बाद जब उसने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया तो उसने तय किया कि वह अगले हफ्ते ही यात्रा प्रारंभ करेगा। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने उस लड़के से कहा, बेटा, यहां का रास्ता बहुत कठिन है, तुम दूसरे शिविर पर जाओ, वहां से तुम्हें चलने में आसानी होगी। लड़के ने उन लोगों की बात मान ली और वह इस शिविर को छोड़कर दूसरे शिविर पर जा पहुंचा। यहां पर भी वह तरह तरह के यात्रियों से मिलता रहा, लोगों से बात करता रहा और उसने वहां की कई कहानियां भी सुनी, नए नए रास्तों और शिखर के बारे में तरह तरह की जानकारी हासिल की। फिर एक दिन वह सुबह सुबह अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब वह उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था तभी रास्ते में उसे एक अनुभवी पर्वतारोही मिला जो वहां पर बैठा हुआ था और वह करीब अधेड़ उम्र का था। उस अनुभवी पर्वतारोही से लड़के की मित्रता शिविर में ही हो चुकी थी। तभी वह अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़के से पूछता है,
बेटा तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो सीधी दिशा में जाना चाहिए। तभी वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा मैंने यहां पर शिविर में रहकर यहां से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी है और जानी है यहां की कहानियां भी सुन ली है, इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां के बारे में अब सब कुछ समझ लिया है, इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूं। उस लड़के की यह बात सुनकर वह बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वह लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा पहाड़ और रास्तों को समझा नहीं जाता, बल्कि उन्हें अनुभव किया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा तुम एक पल के लिए सोचो, आखिर एक इंसान पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वह इंसान खुद को बेहतर तरीके से जानना चाहता है, वह तो खुद की कमियों को जानना चाहता है, तभी तो वह खुद की यात्रा पर निकलता है। और जो खुद की यात्रा पर निकलता है वह इंसान कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि वह भीतर से पूरी तरह से बदल जाता है। वह लड़का उन बाबा की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी बाबा लड़के से कहते हैं, बेटा यह यात्रा किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंसान इस यात्रा में दो गलतियां करता है। पहली गलती यात्रा शुरू ना करना और दूसरी यात्रा खत्म ना करना। आगे वह बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूं, शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्साही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वह उत्सुकता नजर नहीं आती, आखिर तुम्हारे भीतर का वह उत्साह कहां गया? तुम इतने उत्साह के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन आज देखो तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? क्या कोई बात है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें यह करने से रोक रही है? उन बाबा की यह बात सुनकर वह लड़का भावुक हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस बाबा से कहता है, बाबा मेरे पिताजी पहले लोगों को इस पहाड़ पर ले जाया करते थे और उन्हें सही सलामत वापस भी लाया करते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना घट गई, उनका पैर फिसल गया, जिस कारण उन्हें पैर में बहुत गंभीर चोट आई और उनके साथ उनका एक साथी भी मारा गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने पिता के साथ बीती हुई उस घटना के बारे में उस बाबा को सब कुछ बता दिया। वह बाबा उस लड़के की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहा था और फिर वह उस लड़के से कहता है, बेटा तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारे अवचेतन मन में उन सभी डर को बैठा रहे हैं जिस डर से तुम्हारा कभी कोई भला नहीं होगा। तुम इस डर के कारण कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह डर तुम्हें पल पल कुछ भी नया करने से रोकता रहेगा। इस पर वह लड़का उन बाबा से कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा इसका तो केवल एक ही रास्ता है जिससे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। इस पर वह लड़का कहता है, बाबा बोलिए आपकी क्या शर्त है? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा जब तुम्हारा हार मानने का मन करे या फिर यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुमको मेरी बात बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनी होगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझाया, हो सकता है कि बाबा सचमुच मेरे मन से डर निकाल दे और मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं। यदि मैं यूं ही चला गया तो पिताजी फिर मुझे कभी भी वापस नहीं लौटने देंगे और ना ही मुझे वह कभी वह करने देंगे जो मैं करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे एक बार इन बाबा की बात मान लेनी चाहिए। यह सोच विचार कर वह उन बाबा की बात मान लेता है और अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। वह बाबा उस लड़के को बताता है कि आज दिन ढलने से पहले हमें कम से कम 20 किलोमीटर तक की चढ़ाई को चढ़ना होगा। वे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे वह उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, रास्ता और भी फिसलन वाला होता जा रहा था। चलते चलते करीब उन्होंने 5 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया। तभी अचानक उस लड़के ने एक सुंदर दृश्य देखा।
उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा घर था और साथ ही पास ही में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। लड़के ने यह भी देखा कि वहां पर दो लोग बैठे हुए थे और खाने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी लड़के के मन में अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाएं। उसने तुरंत ही उन बाबा को आवाज दी और कहा, बाबा क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस पर वह बाबा कहता है, बेटा अभी तो हमने चलना शुरू किया है, यदि हम यहीं पर रुक गए तो हमारे दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तभी वह लड़का बाबा से कहता है, बाबा केवल थोड़ी देर के लिए हम कुछ खा लेते हैं। इस पर बाबा मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, यह स्वयं की यात्रा में आने वाली पहली रुकावट है। यह उस पल पैदा होती है जिस पल हम अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इन चीजों से सुख मिलेगा तो हम इनकी ओर मुड़ जाते हैं, हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और जिस पल हम इन लालच पर ध्यान देने लगते हैं उसी पल हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो इस मानसिक स्थिति में भी अपना सही निर्णय ले सकते हो, इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़के ने बाबा की बात मान ली और चुपचाप खड़ा होकर मन मार कर वह उन बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी लेकिन बहुत सुंदर भी थी। अगले दिन का रास्ता और भी कठिन था, इसलिए उन बाबा ने उस लड़के को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उन्होंने अभी कुछ ही चढ़ाई चढ़ाई थी कि तभी वहां पर जोरों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते बारिश और भी तीव्र होने लगी। उन दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से गीले हो चुके थे। लड़का तो ठंड में ठिठुर लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती, मैं तो बेवजह ही इनकी बातों में आ गया। अच्छा खासा मैं घर जा रहा था, इस समय में घर पर बैठकर गरम गरम खाना खा रहा होता, घर पर आराम से विश्राम कर रहा होता। यह सोचता हुआ वह लड़का आगे बढ़ रहा था, उसका ध्यान भटक गया और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वह लड़का गिर गया। तब वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हे बाबा मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया, मैं तो घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूं। बाबा मैं अब घर जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दें। उन बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वह चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे, उसकी मन स्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस पर पलटकर लड़का कहता है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी वह बाबा एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस लड़के से कहता है, बेटा खुद को जानने की यात्रा में, खुद को जीतने की यात्रा में दूसरी आने वाली सबसे बड़ी रुकावट पसंद और नापसंद। इस समय हम कहीं और हैं लेकिन हो ना कहीं और जाते हैं। इस समय इस पर्वत पर तेज बारिश हो रही है लेकिन तुम गर्म कंबल पर सोना चाहते हो। जब हमारे भीतर इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं तो हमारे भीतर तनाव पैदा होने लगता है और इस तनाव से हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है और इस परेशानी के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देते हैं और फिर हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं और आखिर में हम उस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि कभी भी निराश होकर पसंद और नापसंद के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि पसंद और नापसंद का यह बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा और इसमें यदि तुम फंस गए तो तुम कभी इससे निकल नहीं पाओगे और तुम कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाओगे और इसी कारणवश तुम अपने कार्य में कभी निरंतरता भी नहीं ला पाओगे। इसलिए तुरंत ही अपना ध्यान उम्मीदों से हटाकर इस क्षण में ले आओ, अपने चारों ओर देखो, यह पर्वत बारिश में कितना शांत, चारों तरफ कितनी खामोशी है। उन बाबा की यह बात सुनकर उस लड़के ने शिकायत करना बंद कर दी और कुछ ही देर में वह शांत हो गया और तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह निराश,
केवल अपनी उम्मीदों के कारण हो रहा था, उसे इस बात का भी एहसास हुआ। हाँ, इस समय थोड़ी सी असुविधा जरूर है, लेकिन समय आते ही इसका समाधान हमें मिल जाएगा। यह विचार आते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह भी पहाड़ों की उस शांति को महसूस करने लगा और फिर वह बाबा के पीछे पीछे फिर से एक बार आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते अब 2 दिन निकल चुके थे। अगले दिन सुबह की यात्रा शुरू करने से पहले उस लड़के के मन में पुरानी बातें घूम रही थीं और अब उस पर आलस हावी होने लगा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। वह लेटे लेटे यह सोच रहा था कि मैं अब और चढ़ाई करके क्या करूंगा, मेरा ऊपर जाने का कोई लाभ नहीं, मुझे ऊपर जाकर क्या फायदा मिलेगा, जो लोग अब तक शिखर पर जा पहुंचे हैं उन्हें भी तो कुछ खास नहीं मिला, तो फिर मैं भला इतनी मेहनत क्यों करूं? यदि इतनी मेहनत मैं अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी की दुकान पर करूं, तो वहां पर मुझे अवश्य लाभ होगा। वह लड़का लेटे लेटे इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा याद करो, तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी? तुमने यह यात्रा शिखर पर जाने के लिए नहीं की थी, तुमने तो यह यात्रा अनुभव प्राप्त करने के लिए की थी, खुद को जीतने के लिए की थी, और यह पूरी यात्रा ही शिखर है। उन बाबा के मुख से यह सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ा और फिर वह उन बाबा से कहता है, बाबा आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की यात्रा करूं। इस पर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा भारीपन और दिमाग की सुस्ती, बहुत नींद आना, थकावट लगना और कुछ भी करने की इच्छा ना होना, यह सभी मन के विकार हैं। कि तुम इन विकारों में फंस गए तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम एक जेल में बंद हो जाओगे और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाइयों के आते ही हार मान लोगे, क्योंकि यहां पर तुम्हारी बुद्धि की तर्क शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। इसीलिए आलस छोड़ो और तुरंत उठो और मेरे साथ चलो। उन बाबा के इतना कहने पर उस लड़के को उन बाबा की बात याद आई। उन बाबा ने सफर शुरू होने से पहले ही कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हारने के लिए कहेगा, तब तुम्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। लड़के को अपना वादा याद आ गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और दोनों ने अपना सफर फिर एक बार प्रारंभ किया। देखते ही देखते शाम का वक्त हो चुका था और शाम के वक्त लड़का को उस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी तैयारियां उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक थीं। उनके पास आधुनिक उपकरण थे। यह देखकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, इनके पास तो इतने आधुनिक उपकरण है, यह तो अवश्य ही इस पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ लेंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं असफल हो गया तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे? इस प्रकार के विचार आते ही वह एक बार फिर से निराश हो गया और एक जगह पर खड़ा होकर उन्हीं के बारे में सोचने लगा। यह देखकर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यही आखिरी पड़ाव है, ऐसी मानसिक स्थिति में हमारे ऊपर संदेह हावी हो जाता है, हमारे भीतर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा, यह मुझसे नहीं हुआ, यदि मैं असफल हो गया लोग क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में आते ही हमारी यात्रा धीमी होने लगती है और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा सारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर चला जाता है। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि तुमने यह यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए की थी, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए की थी, संदेह तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से आज को देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए हो या नहीं। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, तुम्हें बस खुद को जीतना है, हर दिन रात केवल यही सोचो कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया है, मैं कल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूं। हर दिन की अपनी छोटी से छोटी जीत को याद करो, बस तुम्हें इतना ही तो करना है। जब तुम अपना ध्यान अपनी जीत पर लाओगे तो तुम्हारे भीतर का संदेह खुद ही खत्म हो जाएगा। उन बाबा की बात उस लड़के ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसे ऐसा लगने लगा
कि मानो वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है, उसके मन का सारा बोझ अब पूरी तरह से हटा लिया गया हो। वह उन बाबा के पीछे धीरे धीरे एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा। वे दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे और इस बीच रास्ते में कई रुकावटें भी आईं, जिस समय वह बाबा उस लड़के को सतर्क करते और वह लड़का खुद ब खुद वह मन पर काबू पाना सीख चुका है, उसने अपने मन को जीत लिया है, अब वह किसी भी कार्य को कर सकता है, वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है, इस यात्रा के बाद वह पिता की सही मायनों में मदद कर सकता है। अब बाबा और वह लड़का लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों शिखर पर जा पहुंचे। शिखर पर पहुंचकर उस लड़के ने वहां पर असीम शांति का अनुभव किया। उस लड़के ने वहां खड़े होकर यह सोचा कि यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और जो लोग यहां पर पहुंच पाते हैं उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस दौरान उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उस शिखर पर खड़े होकर उसे जीत का एहसास हो रहा था। उसका सीना चौड़ा हो चुका था। वह वहां खड़े होकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया और आगे बढ़ा और यहां तक पहुंच गया। और उसे यह भी एहसास हुआ कि जितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया, अपने मन को काबू में किया, वह उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। तब उसके मन में एक विचार और आया। वह यह सोचने लगा कि बाबा सही कहते हैं कि पूरी यात्रा में कई शिखर हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब वह लड़का पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने यहां वहां देखा, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर आगे नहीं आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की यात्रा में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ चलते रहें तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हार मानने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि हर चुनौती को पार करते हुए हमें अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना चाहिए। आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।